अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ओपिनियन अली काजी में बलिकार हमारे यासर अहमद हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तजियाकार अली काजी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासर। अली साहब वो मामलो जैसे चाहिए तो माना चाहिए मुल्क की सियासी सूरत हाल से भी फर्क पवो एक जन जुडिशरी से हवा से परसेप्शन के भी फर्क पवो घो कुछ फर्क पवन त रिजर्व सीट के हवा से जो केस हल वो पो फुल कोर्ट हुई 13 मेंबर बेंच आ इंट्रस्टिंगली फुल अज भी वा आर्ग्यू थे रिमार्क्स आया जस्टिस सलमान अकरम राजा साहब जो काजी फाइसा साहब से मुकालमा भी थे बहस वगैरह भी थे नज़र भी आयो जस्टिस पान में भी आर्ग्यू कर लगा वो सागो ही रस्तू रो जो रह आयो हर हेयरिंग पे पर अज फैसलो महफूज थो इंट्रस्टिंग जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी नंढो कॉमेंट दिनों तो फैसलो अस बुधा था हाँ पर काजी फाइसा साहब चो तो पे मुशावरत कदा उन फैसलो न फैसलो बुधाइण की गाल न थी शॉर्ट ऑर्डर ही यानी दलील मुकम्मल थी काजी फाइज साहब यो चयो ते असी फैसलो कदे बुधाइंदासी शॉर्ट ऑर्डर भी असी मुशावरत करे तहां के बुधाइंदासी न तो आम तरह छा थींदो अदालतन में के चंदन ठीक है असी ब्रेक वठूं था आई पो शॉर्ट ऑर्डर दई हले वनबो आ पो वरी तफसीली फैसलो बाद में पियो इंदो हिंसर तो ही मुशावरत थी तो शॉर्ट ऑर्डर भी कदी तो मुख्तसर फैसलो भी कदें बुधाज जाहिर सॉरी ही को सरकारी इदारो तो ना है जिते वही दरख्वास दियो तो सही जल्दी बुधायो जल्दी बुधायो या कदें बुधाइंदो या छा थींदो जाहिर अदालत सगोरी है मर्जी है अज बुधाए 10 दिन का बुधाए मतलब यू कॉन्ट फुल कोर्ट के तुम पुछी सको जाहिर तट को उन्होंने इस्तेकाक है ज़ाहिर इनमें तो या सिर्फ को इख्तलाफ राय ब राय नथा थी सकन तो जज साहिबान के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नज़र अचे पो हुजण भी खपे ज़ाहिर हर जज एक जात में एक विजडम रखे तो ज़ाहिर इन में ये लगे तो हि को इतफाक़ राय जो फैसलो तो पान के को तो नज़र अचे इम्कान शायद यो ही हों तो स्प्लिट डिसीशन हों लेकिन कड़े पास वे तो कड़े पास नो वे जाहिर इन पा नी ना अगती कर सकू लेकिन एक गाल तय है तो हि जड़े भी पास वो फैसलो इन जो पाकिस्तान की सियासत से हाकारी नाकारी नतीजा बई तमाम घना पवंदा हाँ फैसलो जडे भी अचे तेजे कर माजी में तो ये थो हो तो कोशिश थी तो असरअंदाज थी थी जाहिर हिं त मुमकिन ना है यो तो ऐसू तो जज साहबान की अक्सरियत जो है वो एक जाहरी तरह बिन्हें एक सिंपल केस आ तो बिन्हें मुश्किल केस भी है ते अगर स्पिरिट ऑफ द लॉ के वटे जो गाल थे थी तो भाई कानूनी जो रूह है तो बिन्हें मामलो सोलो नजर अचे तो अगर चाहिए न सही आइन में नुकतो ए कौमो ही लिख लिखल है अच्छा आइन में भी इन को वाजे इंस्ट्रक्शन इन कर ना तो ये पे दफो पाकिस्तान की तारीख में ही रिजर्व सीटन जो ये मामलो अची अटको है रिजर्व सीटन से जाहिर सियासी तरह वो असर वो बया भी असर पवंदा पर वो असर यो पे तो हिंसर कौमी असेंबली में अगर रिजर्व सीटू हुकूमती इतिहाद के मिली वन थी वापस तो उन्होंने जी पार्लियामेंट में कौमी असेंबली में ब भांगे टे अक्सरियत थी वी yes. अगर ये सीटू हुकूमती इतिहाद के नथ मिलन तो ब भांगे टे की अक्सरियत उन्होंने न मिलती इन जो मतलब यो ना है तो उन्होंने हुकूमत खत्म थी वी पर आइनी तरमीम न कर सकता जेस तीन पीटीआई में वरी पंजी टी मू टोड़े कर फॉरवर्ड ब्लॉक ठाए तेस तीन उतने आइनी तरमीम नथी थी सके हुकूमत इन अगर ये रिजर्व सीटू हल भी वही तो हुकूमत को खत्म थी वी लेकिन रिजर्व आइनी तरमीम नथा कर सकन पो लेकिन सिर्फ आइनी तरमीमन जो मसलो ना है मसलो यो है तो एक क्लियर कट गाल अची वी तो जो हिंसर हुकूमती सेटअप है उनके पुठ भराई कंदड़ कुवतू आहन जिके बाहन उहे असानी जुडिशरी जेका है उन्हें जी ख्वाहिशन के का अहमियत न पी दे तो यो ही रो है असानी मुल्क में माजी में इलाही माजी में तो असानी जेका बासर सघारी कुवतू आहन असानी जुडिशरी है वो एक पेश ते रहंदा आया इन करे
जस्टिस मुनीर जी डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी या ही नज़रिया ज़रूरत ही सब किस्सा भी हलदा रहा हाँ अगर सूरतयाली अची वी तो बुनियादी किस्म की मामलन में भी अगर जुडिशरी कहजी बन कुवतन की ख्वाहिशन के दरगुज नज़रअंदाज कंदे जो उन्हें नज़र में सही या गलत है वो कंद तो ज़ाहिर है पोइ इहो किस्सो कीअं हलंदो त पोइ काफ़ी माण्हुनि खे इहो डपु आहे या डपु ॾियारियो पियो वञे हा वरी आउं वरजायां थो डपु आहे या इहो डपु ॾियारियो पियो वञे त साईं पोइ अगरि हीअं थियो त सघारी कुवतनि ऐं जुडिशरी जे विच में अगरि मामलात ईअं ई कशीदा रहिया त साईं पोइ सुभाणे पोइ त साईं पोइ आईन खे फारिग करिणो पइजी वेंदो जेतोड़े को सवलो कम ना एतो ही मजाक ना है बारन जो रांद ना है आईन के फारिग कर छन लेकिन असा वट यो खारिज ज इम्कान इन करे करार ना दींदा हो माजी में एक तारीख है मार्शल लॉज की सो हाँ उन गवर्नमेंट तो एतरी फ्लैक्सिबल है ही जो हम तो अलग सा भी ता हिंसर इनकी कंटिन्यूटी में ही गाल वूँ तो हि जो फोन टेप कर इख्तियार हुकूमत दिना है एजेंसीज तो भाई हसास एजेंसीज वट असि गुझे गुझे इदारन के हाँ कानूनी इख्तियार हासिल हों तो कहजी भी आवाज़ बुधी सगन रिकॉर्ड कर सगन उनके जो है उनके डेटा उनका मैसेजेस ये सब रिट्रीव कर सगन यो कम असाने मुल्क में दहाकन का थींदो आयो आ सारी दुनिया में थे तो असा वट भी थींदो आयो पर छकार त उनके का कानूनी तहफ़ हासिल न हो इन अमल के तेजे करे हु जेका फोन टॉक रिकॉर्ड थींदी ही उनकी का कानूनी हैसियत न हुई तो पो उनके इस्तेमाल कयो वेंदो हो सोशल मीडिया ते त मड़ी मानू के थोड़ो ख्वार खराब कजे तो ख्वार खराबी लाए या कंखे सडे करे उनके बंद कमरे बुधराय बो दवा दिस असा वट तुझे लाए ही शयूं आहिन पर हाँ अगर फेडरल कैबिनेट हाँ अगर हाँ जैसे फेडरल गवर्नमेंट उनके ऑफिशियल तहफुज दई छो तो मतलब यो थो तो यहाँ रिकॉर्डिंग सुभाने को गुझो इदारो खी अची कोर्ट में भी दई सके तो सर ही अस रिकॉर्ड किया हि तो वाता चे पो हाँ मुखा गलती थी हाँ यो एक डेंजरस तमाम खौफनाक डेंजरस मामलो इलाही हसास मामलो छाकाणि त ही फर्ज जी प्राइवेसी आहे ॾिसो माण्हू चार माण्हू संगत में सफ़ा वेझा नंढे हूंदे या दोस्त हूंदा आहिनि हू फोन ते ॻाल्हाइनि पिया अलाए छा छा ॻाल्हाईंदा आहिनि जंहिंजो ज़रूरी न आहे मतिलबु ॾिसो जे त यार तोखे दिलि त करे थो त गोली वाहे कढा हाणे खे रिकॉर्ड करे वठे ऐं ख़ुदा न ख़ासिता हुनखे गोली हणी अचे यार तो त चयो न हुते एग्ज़ैक्टली भई मूं त मज़ाक थींदो आहे दोस्तनि में घटि वधि बि ॻाल्हाइबो आहे ईअं मश्किरी या तोखे मथो फाड़े छॾियां हर प्राइवेट स्पेस के जैसे तक शहरी जी प्राइवेट स्पेस के भीजिटमाइजो उनमें दखलअंदाजी कर कानूनी हैसियत दियो पा तो रेजियो एडो हसास मामलो यासिर मुख्य हैरत थे पी तो उनके मंजूरी फेडरल काबीना किए भी दे इन सर्कुलेशन यस इन सर्कुलेशन यो थो तो एक समरी ठाबी आ वजीर के घर में ऑफिस में इतने उतने मोकले डिबी बाबा टाइम ना है तो भाई अड़ी कड़ी तकड़ हाँ तकड़ तक कोर्टन की है जरा कोर्टन में वो जो हल पो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस लेकिन यार इनते को वेही को गौर खोस कर वन को काबीना वेही इनते मथो हणे इनते को पाँ माइंड अप्लाई कर मामलो अलिफ ही मामलो जो है शहरी की शख्सी आज़ादी जाती उनकी जिंदगी में मुदाखलत है बो यो मामलो सिर्फ अज मुखालफन इस्तेमाल नो ये सुबह नवाज लीग वन भी इस्तेमाल पीपल्स पार्टी वन भी इस्तेमाल एम क्यू जे काबीना में वेठा अच्छा उन इस्तेमाल नो पर कर टेपिंग कोर्ट ऑर्डर खपूल असूली तौर से कोर्ट का वही ऑर्डर वी अचो तो रिकॉर्ड छाकाणि त कोर्ट खां इन करे ऑर्डर वठिबो त उहा रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करणी हूंदी आहे एज़ अ एविडेंस न त सभिनी जो उहा ई थींदी आहे उहो त असां वटि को हिकु अजीब ॻाल्हि थोरी आहे त रिकॉर्ड लेकिन ही ॿिन्हे हिकिड़ी पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त असांजी वीचारी सिविलियन हुकूमत त एतिरी चई आखे में आहे त
तो हु एड़ा कम जेके तमाम घणे एकड़ी जेते किथे न किथे शहबाज हुकूमत के कुछ न कुछ चवण खपिया वो उनते भी बिल्कुल सर तस्लीम खम कर वेठा आन त ये अड़ी शानदार हुकूमत भी किथे मिले अच्छा पप्पू इन सवाल अच्छे अगर ये स्टेप्स हाँ का खड़ शुरू हुए तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इख्तियार मिली सही तो तमाशा ऐस अलोकर हि तो जी पीटीआई सरकार भी ये कही पर हि भी उन पा तो उनके छो हटा कहीं कहीं वो हटाने पे इन हटाने पव लेकिन क्वेश्चन यो है तो सर ऐसो ना हि अड़ा मामला जो एकड़ी तहांजी सजी जो मैसेज वने yes. तो न सिर्फ मुल्क के अंदर पर मुल्क का बाहर बिजनेसमैन जो इंदो बिजनेस कर अगर तुम यो कानून लेजिटिमाइज कर छो तो बिजनेसमैन तो पैर ही सोची न तो ये ऑब्वियसली उन दिमाग में तो सब का वो आर्ग्यूमेंट ये इंदो तो अगर बिजनेस कर पाकिस्तान वन तो प्राइवेसी जो नालो ही ना है बिजनेसमैन तो जो इंदा ना जिन अवल तो कड़ा इंदा पर अगर कोई चाइनीज सऊदी इंदो तो उनकी करे दिखारी वो छे वो ये कानून सब ठहंदा अस तुम जड़े आम मानू ला उन साफ लोगों ये करे दिखारे केर अड़ो कम कनो घुमी फिरी जो असाजे मत ही पौधो अगत बयाल साहब सरकार तो कोशिश भी लगी पे अज भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो लंबी थोड़ी तकरीर कई वापस तो बाबा पाकिस्तान के कि कड़ी हल्दा मुश्किल में बहार कड़ा को कंक्रीट एक शे भी अजा तीन नजर न जो तुम सवाल उतरों तो एक्सपोर्ट्स कि को ना इन्वेस्टमेंट का उनको को ना पर ये गाल बरकरार तो बस कड़ा IMF में मिल लोन उन बाकी अच्छे तो पंजा अरब दिना और सब्सिडी सब्सिडी है किस्म की जो 200 यूनिट्स से जो प्रोटेक्टिव सार्फिन उनके बचाने लाइ पर गड़ो गड वरी आसिफ जरदारी साहब भी मैं आसिफ जरदारी साहब की जी मन लगो पे तो एग्रीकल्चर टैक्स की गाल कन पाया मजबूरी आ लगाना पर वो यो भी चन पे तो असा मुल्क की एग्रीकल्चर सिमत आने समझ में नो अचे जी शबाशरी साहब जो 200 यूनिट जो इस्तेमाल कन था सार्फिन प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिन्हीं लाइ जेका वधायो वियो हो ही जो पैसा नया रेट जो यूनिट जहाँ हुआ वो वापस वी छा ज़ाहिर इन रिलीफ मिल तो चवन था सवा ब करोड़ सार्फिन सवा ब करोड़ मन वही आबादी है ज़ाहिर ही एकड़े घर में छह मानू रहा है सवा ब करोड़ घर थी ना तो मत ही को कुछ न बारह करोड़ मानू थी वो रिलीफ है और ये न तो चाहे रिलीफ ना ये दिसूँ IMF इन कि रिएक्ट करे थी वही ही सब्सिडी है 50 अरब रुपये की बाकी जो तुम गाल कई वो मियाँ साहब या मियाँ साहब की हिंस जी टीम है उन्होंने एडी वही गाल कल मियाँ शहबाज शरीफ चई तो अगर अस टैक्स उगाड़ी न कर सी तो असा IMF से वापस वनो पव IMF से वापस वियासी तो असा बुढ़ी मरण जो मुकाम बुढ़ी मरण तमाम वही गाल खैर शहबाज शरीफ साहब जज्बात में चई वो मैं अपनी कमीज बेच दूंगा और ये भी चवन रो त गाल ये है तहां ये की उम्मीद पा कर जस्ट अच्छा चलो मनी वूँ तो रिकवरी की तहानी नीयत भी है बट हाउ डू यू प्लान टू डू इट ऑब्वियसली तहां वट जो टूल्स हैं जो तहां हाँ यो वधाईंदा वनो पेट्रोल ते लेवी वधाईंदा वनो ता गैस ते वधाईंदा वनो ता बिजली ते वधाईंदा वनो टिल द टाइम अच्छा पो इन सा तहां पांजो जो लोकल डेट आहे चलो वो कुछ न कुछ तहां जो खर्च घटायो चवन था कुछ मिनिस्ट्री घटाइन पाया कुछ ही पा कन लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नथी थे ये जो इजाफी टैक्सेस कारोबारी तबके से हणो पाया अगर उन इकोनॉमिक एक्टिविटी न पी थे मईशत तो वो जीरो सम गेम थी न तहां वाप सैलरीड क्लास से हणी छा टैक्सेस हाँ उछा कंदो उनकी सैलरी तो न पी वधे न टैक्स उनकी कटजी वो उछा कंदो हु कल ताई महीने जा 5 साबुण खरीद कंदो मार्केट में हाँ 4 वठंदो yes. तो छा थियो परचेसिंग पावर घटजी वेंदी परचेसिंग पावर घट भी न इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो को असांके को आसरो ही ना है को प्लानिंग ही ना है असां चाहूं था करे चाहूं था सऊदी अरब अच्छी 5 बिलियन विझंदो करे चाहूं था UAE विझंदो करे चाहूं था अमेरिका विझंदो अलाए केर विझंदो असां वटि रोज प्लानिंगू थियन थियूं ऐं तव्हां जा असीं शयूं विकिणी छॾींदासीं बकौल इसाक डार साहब जे त असां वटि 1000 अरब डॉलर जा असासा आहिनि हाणे पंहिंजा इहे रोड ऐं इशारा फैसल ऐं इहे विकिणंदव छा विकिणंदो सो इशू आहे की इहो त हिकिड़ो
मुख्य पान मुख्य पा तो माशी माहिर नहीं पर जी माशी एक्सपर्ट्स बहन उ भी मुंधल आखिर इन गवर्नमेंट की पॉलिसी है टैक्स उगाड़ से IMF जो कर्ज तो तक मिल अगर मिलणो है बाकी तो इन से जदारी साहब जी गाल कन पाया तो भाई IMF की फरमाइश है तो आबादगार जमींदार का टैक्स वो वो तो माना जदारी साहब के जुमलन में मुख्य टीवी में ये महसूस थो तो शायद चवन चाहन पाया तो देो पेड़ पे मजबूरी है लेकिन चवन पाया जिनकी जरिए सोच नहीं है वो जरिए टैक्स इनकम टैक्स की बात करते हैं यानी जिन्हें जरिए सोच से शायद जदारी साहब मुराद है जिनके ज़रात की अलिफ बे नी अचे उ एग्रीकल्चर टैक्स की गाल कन था चवन था ज़रात में कुछ आ ही को नुकसान में आयो बहर आहे भी आई मुझे ख्याल न भी है जाम जी सुखिया पंजाब हुए सिंध हुए जिन्हें वही लैंड होल्डिंग्स आज जाहिर न चार पैसा तो अचन था। हाँ जदारी साहब जो टेक्निकल गाल कन पाया वो वही इंट्रस्टिंग हुई जदारी साहब चाहता भाई जो बिजनेसमैन इनकम टैक्स दिए तो ये जमींदार का वो न यानी वो पाँचा समूरा खर्च लिख लिखाई तो समूरा खर्च में सीधो सीधो खर्च तो पे आयो हारी ते तो भाई 50% असि हारी के ींदा जमींदार लाइक चवंदा ना बकोल तो यस कागजन में तो ये जो मुंशी कंदो आ कागजन में तो कंदो आ ना सही ट्रैक्टर जो खर्च सही अलिफ जो खर्च हाँ मुझे खबर ना है ढल आबियाणो यो कड़े खाते में भी टैक्सेस ये भी टैक्सेस ये भी काउंट थींदा ये भी काउंट थींदा ना आबादगारन जो जो ट्यूबवेल जो खर्च अचे पे बिजली जो अचे पे बिज भाण अलिफ तो चंदा आखिर बचो छे तो इनकम टैक्स जो इनकम थी को इनकम टैक्स किथा दियो ठीक थी जदारी साहब जो पर आसिफ साहब यह गाल भी तो किथे जरूर जहन में शायद हुए तो ऐसो एतरी जका सुठी पांजा रिटर्न्स फाइल करण इो भी तो वो जमींदार पढ़ियो लिखो तो करे सके तो यस नडो तो कर सके जे वट पर वडन वकीलन जी अप्रोच है जे वट वकील हुजन चलो वडा भी न हुजन मीडियोकर किस्म जा टैक्स लॉयर्स हुजन या एक्सपर्ट्स हुजन जिन की अकाउंटेंट्स हुजन असा वही कमदार मुंशी हूँ जो किथा टैक्स रिटर्न्स फाइल कंदा तो जो नंढो आबादगार है मिसाल 25 एकड़ जो 50 एकड़ जो जिनकी अक्सरियत है वो रिटर्न्स वो पाँचा असा सा किए लिखो एक गाल बो प्रॉब्लम जो समझा तो इनमें ही एक एम्बिशियस पड़ो है तो असि जरी समाज एतरो डॉक्यूमेंटेड ही ना यस बेन जो जमीन ते बया कास्त कंदा न सडो सिस्टम ये हलन दो आपे मकातो हुंदो yes. आहे पो अलिफ हुंदो आ पो हिन ते खाता के बेवट हुंदा खाता के लेकिन जे जे नाले ते खातो आ टैक्स तो हुनके एग्जैक्टली नोटिस तो विंदो एग्जैक्टली त असा जो ही जको FPR ही रिकवरी का अच्छा पो असा चंता ते यो सूबाई मामलो आ सूबाई टैक्स आ यस एग्रीकल्चर आ यो अलग बहस आए ते अच्छा इनकम टैक्स वेदर ऑन एग्रीकल्चर और वेदर ऑन एनी इंडस्ट्री पो तो सूबाई न थियो अगर इनकम टैक्स जे उनमें तो जे मतलब जाहिरी तरह तो इनकम टैक्स जो है अस टैक्स ऑन सर्विसेज ही तो सूबाई मामलो आ खैर वो तो उन अलग बहस आ तो ये गुजारिश पे कई तो हूँ जो आम आबादगार है जो बारदाणे हाँ कि लिखी दे बारदाणो पैसा दई वरतो यस खैर पहल अगर अच्छा हाँ मु गाल पे कई तो जो फेडरल डिपार्टमेंट है टैक्स रिकवरी लाए ये सागो ही रो या बो ठाई अरे ये सागो हों तो शहर में तो दुकानदार का तो वही नो सके तो ही बदीन के डूरह इलाके में वही या कच्चे के इलाके घोटकी इन पास वही जो है ये जमींदार के नोटिस मोकलींदा हम देखेंगे इंट्रेस्टिंग आज कान थी वे अच्छा पाए तो ये मतलब एक सवाल जब अचे तो इनमें तो इकोनॉमी जहरा एक प्रॉब्लम आ बो प्रॉब्लम सियासत आ टों प्रॉब्लम कोर्ट्स अगर दिखो वे तो मैं जनरल पर्सपेक्टिव तो पर ट्री इंटरलिंक्ड कोर्ट्स के प्रॉब्लम तो न चो न मतलब बेसिकली फॉर द सिस्टम टू यस सिस्टम टू वेरी क्वाले तो पियो नेला तो ट्री इंटरलिंक्ड अगर दिखो वे तो दिसो ट्री इंटरलिंक्ड एंड पर ट्री डायरेक्टली लिंक्ड कैसा है जी हां ट्री डायरेक्टली लिंक्ड हैं जेके ताकत जो सरचश्मो है जो जिथे ताकत जो मुंबो है यानी जो अस ताकत जैट है जुडिशरी जो भी मसलो किथे ठीक है
पॉलिटिक्स में अगर फेर है खान में खान भी छा तो चाहे खान चाहे तो नवाज इंसान हुकूमत से न गालाइंदस एस्टैब्लिशमेंट से गालाइंदस इकॉनमी जाहिर है अगर तहजी पॉलिटिक्स न भी स्टेबलाइज थे तो तहजी इकॉनमी किथा स्टेबलाइज थी सो सिर्फ ही टे शे लिंक्ड ना हैं इनमें असानी एस्टैब्लिशमेंट भी लिंक्ड है इनमें असा सिविलियन जो हुकूमती पॉलिटिशियन अपोजिशन जो पॉलिटिशियंस खोड़ फैक्टर्स सभी लिंक्ड आहिनि पाण में अच्छा एक सवाल अचे तो कुंवर शाह साहब जी इलेक्शन कमीशन जहाँ पैरा माना एक अन चाहिए तो अनसेड स्पोक्सपर्सन या अनरिकग्नाइज या अनऑफिशियल पर उए कल टी एक प्रोग्राम वेटा उन्होंने चो तो सीटू वापस मिलंदी जो रिजर्व सीटू वगैरह और बी गाल कही तो वापस मिलने का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की डिमांड थी उनखां पोइ सियासतन जा हालात ख़राब थियण शुरू थींदा पोइ छा थींदो पोइ हाणे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जी डिमांड थींदी पोइ शहबाज शरीफ साहब खे कॉन्फिडेंस करण लाइ चयो वेंदो पोइ हाणे उहो खणी सघनि था नथा खणी सघनि चवनि पिया त मतिलबु सियासत हिलणु शुरू थींदी उनखां पोइ कल वठी ॾियो पोइ अचूं था अकील अहमद शिकारपुर मां जी अकील साहब छा चवणु चाहींदा वालेकुम सलाम हाणे असांजा पंहिंजो ई को अज़ीज़ आहे रिटायर थियो आहे मुलाज़िम आहे पटे वालो हाणे तकरीबन हुन 1.5 लख रुपियो माना हुननि खां क्लार्कनि वरितो आहे त तव्हांजा डॉक्यूमेंट्स ट्रेज़री अमाउंट कराचीअ ताईं ख़र्चु थींदो तव्हांखे जेका पेंशन प्रोसेस आहे उहो कंप्लीट करे ॾींदासीं तव्हांजे अकाउंट में पैसा ईंदा त मां इहो बि पुछणु चाहियां थो हे त हिकिड़ो पटे वालो आहे जेके 17 ऐं 18 प्लस आहिनि ऑफिसर्स में ॿ अढाई लख रुपया भरनि था त इहो माना करप्शन आहे इन्हीअ खे कीअं रोकियो वञे हिकु इहो ॿियो असांजो अर्ज़ु आहे अली काज़ी साहिब 2 महीना पहिरियां जेके शिकारपुर मां पुलिस ऑफिसर सिपाही कॉन्स्टेबल एस आई ज़िले माना बदर कया विया कराचीअ हुननि खे हिकिड़ो सज़ा तौरु रखियो वियो आहे उन्हनि जे वञण सां छा क्राइम घटिजी वियो आहे क्राइम त उहो ई आहे अॻवा उहो ई आहे इहो इन्हीअ जो माना छा कारण आहे ऐं इन्हीअ जे बारे में अली काज़ी साहिब छा था चवनि ठीकु साईं साईं करप्शन त बेताशा आहे हीअ त सोचियो त हीअ जेको तव्हां ॿुधायो पिया त ऑफिस अटेंडेंट हो या प्यून या छा हो ऐं वीचारे खे 1.5 लख रुपया घुरनि था त तव्हांजो सॼो केस प्रोसेस थी ईंदो ऐं पोइ पेंशन तव्हांखे मिलंदी त हीअ त वीचारो हयात आहे जेको बि आयल हयाती ॾेसि चलो उन सोचियो हूंदो त ठीकु आहे यार मिसाल 20 लख मिलणा आहिनि 1.5 लख वियो जेके माण्हू गुज़ारे वञनि था एॾो अज़ाब आहे करप्शन एॾो नासूर आहे ऐं ईअं न आहे त ठीकु नथो हिनखे ठीकु तव्हां ईअं नथा करे सघो त ट्रेजरी में हिकिड़ो ईमानदार अफ़सर विहारे छॾियो इन में तव्हांखे डिस्क्रिशन ख़तमु करणी पवंदी सिस्टम ठाहियो न मिसालनि जो सिंपल ॻाल्हि आहे न अगरि जंहिं वटि बि ट्रेजरी में ज़ाहिर कुझु डिपार्टमेंट्स हुननि जी डेस्क ते विरायल हूंदा न आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट कॉमन सेंस त इहो ई चए थो त हर फाइल हर वटि छो वञणु खपे अगरि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ विरायल आहे ट्रेजरी त डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हूंदी आहे शायदि त हूअवर इज़ रिस्पॉन्सिबल ही जंहिं बि इदारे जा हुआ ऐं हुन इदारे जो ट्रेजरी में फाइनेंस में सिंपल ॻाल्हि आहे न 60 to 90 वर्किंग डेज़ हुजणु खपनि उनमें हू जेको कंसर्न ऑफिसर आहे हुनखे हुनजे अकाउंट में घर वेठे पैसा मोकिलणा आहिनि नथो मोकिले त लिखत में ॿुधाए छो नथो ॾियां ऐं अगरि लिखत में नथो ॿुधाए नथो ॾिए त हफ़्ते खां पोइ उहो असखुद सस्पेंड थी वञणु खपे सिस्टम ठाहियो न यार की छा आहे पेंशन तव्हां कंहिं बि जवाब ते नथा रोके सघो ठीकु आहे वधि में तव्हां 2 पैसा घटि या 2 पैसा वधाए सघो था हाणे दुनिया में इहो ई थिए थो त सिस्टम हुजे थो को टाइम फ्रेम हुजे थो त भई मिसाल हिते बि आहे त 90 ॾींहनि में अगरि मिसाल चऊं त 90 ॾींहनि में पेंशन रिलीज अज़ ख़ुदि थियणु खपे कंहिं माण्हू खे तकड़ि आहे हू चए यार न मूंखे महीने खां पोइ मुंहिंजी न्याणी जी शादी आहे जेको बि आहे हू वरी 5 रुपया ॾिए थो ऑफिसर खे यार 90 ॾींहनि खां पोइ तोखे उहो ई ॾियणो आहे हीअ 5 रुपया अथई मूंखे महीने में कढी ॾिए इहा सदबी आहे स्पीड मनी दुनिया में अक्सर मुल्कनि में स्पीड मनी त हूंदी आहे हीअ आहे भत्ताखोरी दिस इज़ नॉट स्पीड मनी गुंडागर्दी आहे हीअ गुंडागर्दी आहे त ॾींदो त पोइ मिलंदई पोइ मिलंदई न त उको तूं बि मरी वञ तूं ईंदड़ नसलूं मरी वञे पेंशन न ॾींदासीं ख़ुदिकुशियूं करे छॾियूं माण्हुनि माण्हू ख़ुदिकुशी कई छो इहे सवाबदीद आहे हिननि वटि यार
कि हर मामले जो सिस्टम ठही सके तो छो ना ठाई खुदा खबर खुदा खबर खुदा की भी खबर है मतलब दुनियावी हिसाब से असा की भी खबर है जाहिर है मथे तक पैसों वे तो सिस्टम आ सलूम आप वो जाहिर है हेठा उनके भींग कर छी था सही पुलिस वाली सजा तौर बदली वॉट डज दैट मीन एग्जैक्टली कई हुए हूँ शिकारपुर के ए एस आई सिपाही अगर डोहारियन से मिल तो यार तुम वो जुलम कर कराची में हाँ वेहारो था बस रुको घर का परे थी जो डोहारी आए उनके जो यार दादू में डोह न कर तू हाँ सुणे का वही बदीन में डोह करो बदीन में डोह कर शुरू कर छो यस यस उनके नौकरी में फारिग कर ना अगर उन्होंने डोह आए तो डोह साबित थल है नहीं तो हि कड़ी बादशाही गाल कड़ो फर्क पवन को फर्क पवन जुल्फकार काकी हैदराबाद में जी काकी साहब चाहिए सर मुझो अर्ज यो है पानी जिंदगी है सिंधु नदी में पानी की रवानी वह सजे सिंध की जिंदगी है असाजी मईशत है पर असो कल्चर है हि काजोई सखर बैराज में जो दर लुड़ी वो उनसे सजी सिंध में सरापा जड़ो कर एहतजाज वो मंजर हो सोशल मीडिया से असाया दानेश्वर आया सब मू चवन पाया सही दर केडा वो दर केडा वो कि लुड़ी वो छो लुड़ी वो वगैरह 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 भली गाल है उन गाल के पसंद करा तो पानी के बारे में अस मानू जो फहम शहूर जगल हों अस भले की गाल है पर सवाल यो है तो सिंधु जो पानी जितना अचे पो जितना जितना भी अचे पो अस पढ़ू था तो उत डैम पर्जन उतने वाटर फ्लो में घटताई कई थी वे उनसा मुसलसल एक हथ चढ़ है बैन अवी कानून के मुताबिक जो सिंधु जो शहर है पानी जो उनमें कटौती थे थी उन हवाले से मुझे सवाल है तो सिंधी कौम कलेक्टिव स्केल से ब्रॉड स्केल से कदें बाहर निकरंदा दुनिया से जागाइंदा तो बबा जिते जिते भी सरहद पार का या किथे असो पानी चोरी थे पो यो रोको वे तो मुमकिन है असो समाज इन लेवल से प्रोटेस्ट करने की सलाहित रखे तो ये मुझे सवाल है ठीक साईं सर लेवल अलग कड़ो बुध पाया सही खाकी साहब लेकिन पान यो दिठो तो ब हज़ार यारह हो या कड़ो जैसे इतफाक साहब मुँह ही चो तो दरिया जो दिहाड़ो मलाये जे दह में हाँ तो जी लखन में मानू निकता हुआ को तंजीम को नहीं कुछ न हुई मानू पांजे खर्च थे खाकी साहब हैदराबाद में हो पान के याद हुंदस किए मानू निकता दरिया के वही भेटा दिनों हाँ यो तो गाल तो हुई दरिया के भेटा दियण एकड़ी सिम्बॉलिक मकसद तो यो ना असी सारी दुनिया के बुधायूं तो असा पांजे दरिया सा पांजे पानी सा असांजी जेका चाह असांजी उनसा कमिटमेंट है बेसिकली तो उहो सिंध मानू दिखार उन खबर ना मुझे नजर में तो हू एकड़ो हिस्टोरिकल मामलो हो एतरो वडो एतरे वडे टर्न आउट के को तंजीम न हुई को कुछ न हो मानन पान मुरादो ओ सजावल पुल खा वठी ओ कश्मीर ताई आई सखर आई सडे सिंध में जिथे दरिया नथो लंगे उते मानन कैनालन में वनी लखन मतलब खम गाल चढ़ल हुई मामलो सब मानन त सिंध में छा शऊर हो छा हो 2010 में थियो पर इतफाक थियो तो 11 में अड़ी बोडाई जो ये टोड़ी बंद टुटो अल्लाह तो बुधी अल्लाह तो कुदरत बाज कई पानी आयो तो अस इरीगेशन वालन जो कम थी बंद टुटी पे कुछ थो तो अड़ी हिम्मत ही न कई सी तो आईंदा तो भई अड़ो को दिहाड़ो मल्हजे या अड़ी का सोच रखे डिजी वासी तो भाई पानी अचे तो असि तो पानी की सार संभाल ही ना कर सकूँ तो शऊर तो खाकी साहब खबर ना शऊर तक चो था अस तो पाँच अखियन से दिठो इतफाक से फांसी पियस और मोरो हलो वो सेवण से व्यस मोरो व्यस वापसी सो मुँ तो अखियन से दिठो खाकी साहब भी दिठो हों पर शऊर अलग चो कलेक्टिव बाहर निकरन तो वो कलेक्टिव ही हो ना सर बो होंगे एग्जैक्टली कलेक्टिव ही हो ना सर बो भला चाह बना उनमें कें पार्टी कें जात पात कें तंजीम जो को फर्क न हो कें नसल जो कें बोली जो एकड़ी पंजाब से मानन पांजो दी दरिया से पांजी कमिटमेंट शो कई
जी हज़ार हाँ कें जो कि अगतलो पी ग हल पी सियासत के हिसाब से आवाम पार्टी के मथा चैलेंजर अची अचे तो हम आवाम पार्टी ऑलरेडी मौजूद है आवाम पार्टी नी थी सके हम आवाम पार्टी पाकिस्तान पार्टी हम आवाम पार्टी पाकिस्तान हैप अच्छा हे एंड आप एपी एपी बाप आप अच्छा आप लोग तो आप लोग कौन होते हैं जी हाँ आप समझे ना किसको आप कौन है जी हाँ बाप और आप कौन है बेला लड़ी तो ज़ाहिर मुश्किलियों थी ज़ाहिर इनके वरी जो भी साहब होंगे इनके वही किथे राजी कबो बबा ये गाल ठे नी टाइप एग्जैक्टली अगर नालो ना है नालो आ समझा तो खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल जड़ा मानू जो टेक्निकल कागजन में जान रखंदड़ उन पेरी उन एन ओ सी न वरती होंगी इलेक्शन कमीशन का पेरी सब कम थे ना एतरो कम तो थो ना हम आवाम पार्टी जो तो उनको जिक्र पा क्यों पे यस यस लेकिन नालो तो खैर आँ अ चाहता अवामी पार्टी करें आवाम पार्टी फ्लो न तो अचे खैर ऐसो इनमें खबर ना कहीं आवाम इंदी या नहीं इन पार्टी में जो आवाम पार्टी है खाकान अब्बासी साहब की लेकिन इनके कें ढी कें मकसद ला कें न कें संभाले जरूर रखण की कोशिश थी नो चाह तो आशीर्वाद है या कुछ है लेकिन बहर खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहा है उन खबर है तो हि बई जाहिर प्राइम मिनिस्टर तो इस्टैब्लिशमेंट से तुम समझो तो शाहिद खाकान अब्बासी तो उन मल इस्टैब्लिशमेंट से कम कर जैसे इस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ हुई yes. नवाज लीग के खिलाफ yes. हुई पर एक बैलेंसिंग जो साल सवा साल तो हलो डेढ़ साल जैसे मुझे क्यों निकाला नवाज शरीफ के कढ़ियों डेढ़ साल पूरे मिफ्ता इस्माइल बींग फाइनेंस मिनिस्टर जो भी इस्टैब्लिशमेंट से तमाम घड़ो रैपो हों लेकिन इस्टैब्लिशमेंट जाहिर हेड चेंज थी वाइन तो जाहिर जरूरी ना तो सागे रवैयो बो भी रखे लेकिन आँ जो गुजारिश कर चाहें पो यो है बहरहाल हिड़ी कुछ शूँ संभाले रखबी तो थां डिनर सेट वो मेहमान इंदा तो कड़ी रखबो आ वो तो हि कें वक्त लाइड़ो सेट ठा पे वे में को घी वही मुंडियो को सवाई ही बटे मानन जे लेकिन दिसू तो केतरी इनके आवाम में पजीराई तो तदे मिलती जैसे कि बे हंध पजीराई मिलती है आउं समझा तो वो इतनी तकड़ में कौन थी दो ये के वक्त लाए संभाले पे वने अच्छा बने एक सवाल अच्छा आवाम पाकिस्तान पार्टी जो या मुफ्ता इस्माइल जरा फिलहाल जो बो मानू पार्टी जो करता धरता शायद काकर अब्बासी साहब मुफ्ता इस्माइल साहब चलो एकड़ो तो पंजाब जो एकड़े जो ताल्लुक सिंध से है तो काथे को फर्क मड़ी सिंध में अंदर को वर्किंग का कुछ थी सिंध में मिफ्ता इस्माइल साहब किथे करे सकंदो पांजी जका बिजनेस कम्युनिटी आ न बटे मानू वठी अगर वो अचन हां वो भी शल्ला अचन शल्ला अचन तो समझा त मिफ्ता इस्माइल जी का पॉलिटिकल क्लाउट आ हते सिंध में केड़ो छा करे उठंदो हाँ चवंदा मोहम्मद जुबैर भी वने तो पीपल्स पार्टी बुद्ध हूँ पाया खबर ना जी वावडा अची वो पीपल्स पार्टी में तो हाँ वो अची वो तो फर्क पे लेकिन बैक टू मिफ्ता सिंध की पॉलिटिक्स तो सर इत ब सिर्फ इन स्टैटिसको के हिले सकन थी एकड़ी बेतहाशा अवामी सपोर्ट जी मतलब वर्क खपे वर्क खपे हाँ पीटीआई कदें भी न कयो बो आए तो इस्टैब्लिशमेंट जो रुख मटिजी वे बाकी हाँ मिफ्ता इस्माइल तो कुछ ना जाहिर पर अगर हाँ रुख मटो तो इस्टैब्लिशमेंट आवाम पाकिस्तान पार्टी तो इंपॉर्टेंट हाँ पो खान केर भी थी सके तो हाँ। लेकिन इस्टैब्लिशमेंट जो मूड चेंज थे भी तो जरूरी है जरूरी है तमाम जरूरी है इन करे तो हाँ सवाल अचे पो तो पाँच गाल हले पी तो कुंवर दिलशाद साहब यह गाल कई तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिमांड थी प्राइम मिनिस्टर का उन सियासत में भौचाल ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की डिमांड थी युसर रज़ा गिलानी का सैनेटर एज अ चेयरमैन सैनेट सैनेट जहाँ इलेक्शन जो उन मुतनाज़े थन्दा उन्होंने री इलेक्शन कराबो हूँ तो चवन पे तो ये सब कुछ थियनो ऐसो ना हाँ ये जो अगते गोले में वेही अगर ऐसो है तो हिंदी मतलब हाँ वो तो को कर सका लेकिन पा जैसे हि केस शुरू थो रिजर्व सीटों जो तदे का रड़ी पा क्यों तो इन जो मुल्की सियासत बेइंतहा इम्पैक्ट अचो
तां कॉलर है मुझे तो पॉइंट गाले में जाहिद अली तुनियो लड़का नमा जी तुनियो साहब चाहते हो चाहिदा अस्सलाम वालेकुम सलाम सर असा अर्ज पे कयो असा जो आ है एनडब्ल्यूसी के नाल दरिया मा सखर मा राइट बैंक ते जी 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 उन में असा पानी तमाम घणी तकलीफ आ उन जे लाय कोई काई साहब अगर ज्यादा असा सा एड़ो छो रवैयो करे तो ने खास कर एनडब्ल्यूसी के नाल सा जी मेहरबानी करे यो असन आवाज मथे आला हुकाम ते पहुंचायो मेहरबानी थी ठीक सर जी तुनियो साहब ये आवाज असि काफी डियन का पहुंचाने कोशिश कयो बा असन आवाज या ते न पे पहुंचे या उधर न पे चाहिए उधर न पहुंचे च लड़काने मा रड़ियो एन शहजाद कोट मा बन बदीन मा बन जिथे किथे रड़ियो एन लाड़ उत्तर सबनी जाय ते पानी दरिया में जाम जाम अच्छा पान सो सही अला करे तो बुधी अठन तुनियो साहब असन जी ख्वाहिश है ता जो आवाज बुधन असन जो बुधन सो गाल हुआ पे कई सी ते अगर ही जका जे हुनन तरतीबवार बुधायो ये गाल तो समझ में अचे थी ना पर कंवर दिलशाद ते चई सके तो ही फैसलो अची वेंदो पान थोड़ो सबर कर वेठा आयो तो भले फैसलो अची वने महफूज थी वा तो पो उन फैसले जा पानी इशारतन किनान में ते गाल कई कयो था ते हन जो जाहिर इंपैक्ट इंदो त नट सियासत ते इंपैक्ट अचणो आहे हन फैसले जो लेकिन पान के चो तो ही थिंदो यस थिंदो जदे तो अगर जी कंवर दिलशाद चे पियो अगर फैसलो हुकूमत के खिलाफ़ अची वो पी टी आई के हक में अची वो तो हि जे ही तरतीबवार वाक़ा बुधाइन पाया ये थींदा तो उनमें कोई हैरान थियण की तो गाल एन मुमकिन है ये गाल खास तरह नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस में एम क्यू एम पीपल्स पार्टी या किथे को धक् डी वन था शहबाज शरीफ के पर उन जरूरी है एस्टैब्लिशमेंट जो मूड चेंज थी एग्जैक्टली एग्जैक्टली पो इन जलाई तो चयो वने तो न पियो तो एस्टैब्लिशमेंट सा राबतो ही थिंदो बियो के सा न थिंदो फवाद चौधरी साहब भी है यार फवाद चौधरी के न भला एग्जैक्टली चौधरी ने सार है बियो जी हां फिलहाल तो निकले है बड़ा इंपॉर्टेंट पाण के सडरा इन द पीटीआई जा ये चौधरी चौधरी हुंदा है जी ठीक है जबरी मेहरबानी साहब नाज़रीन अजे प्रोग्राम जो पूरो थियो पर मैं इंदर प्रोग्राम में दान में आ